आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी जजमेंट दी है आईटीसी को लेकर। तो पहले समझ लो भैया मामला क्या है। मामला है सफारी रिट्रीट प्राइवेट लिमिटेड के केस का। ये केस पहले उड़ीसा हाई कोर्ट में था और बाद में ये सुप्रीम कोर्ट में गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है और ज्यादा पेजों की डिसीजन नहीं है, 90 पेजों का डिसीजन है ये। तो अगर आपने अभी तक ये डिसीजन नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले इस डिसीजन को पढ़ लो। सर ये जजमेंट कहां पर मिलेगी? मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फोन नंबर भेजो, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा ये वाली जजमेंट 90 पेजों की। 90 पेजों की जजमेंट पढ़ने के बाद तुम्हें पता लग जाएगा कि भैया जीएसटी कोई छोटा मोटा एक्ट नहीं है, आईटीसी कोई छोटे मोटे प्रोविजन नहीं है। सेक्शन 17(5) को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मैटर चला गया। अरे मैटर क्या था, जरा इस चीज को समझना। मैटर क्या था, कंपनी थी, कंपनी जो सफारी रिट्रीट थी ये मॉल बना रही थी। अब जब ये मॉल बना रही थी तो इसने भैया मॉल बनाते समय बहुत सारे गुड्स लिए, भाई सीमेंट लिया, लोहा लिया, सारी चीजें ली, बहुत सारी सर्विसेज ली। अब इसका पर्पज क्या था कि भैया मॉल बनाएंगे और मॉल बनाकर उसे रेंट पर दे देंगे, ठीक है ना। अब मॉल कंपनी ने बना लिया, रेंट पर दे दिया, तो रेंट पर कंपनी पर लग गया आउटपुट टैक्स और डिपार्टमेंट ने कहा आईटीसी हम आपको नहीं देंगे। अब ये कंपनी कह रही भैया ये क्या बात हुई, ठीक है ना, आप मेरे से रेंट पर आउटपुट टैक्स ले रहे हो और जब आप रेंट पर मेरे से आउटपुट टैक्स ले रहे हो तो मुझे आईटीसी भी दो। डिपार्टमेंट ने कहा नहीं भाई आईटीसी क्यों देंगे, आईटीसी तो सेक्शन 17(5) में, सेक्शन 17(5) क्लोज सी और क्लोज डी में ब्लॉक है, तो तुम यहां पर क्या करो, हमारे को टैक्स दे दो, तुम हमारे को यहां पर टैक्स दे दो और, ठीक है ना, हम आपको आईटीसी नहीं देंगे। तो 17(5) की जो क्लोज सी और डी को लेकर जो कंपनी थी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। उसने कहा भैया मेरा आईटीसी ब्लॉक नहीं होना चाहिए सेक्शन 17(5) क्लोज सी और डी में। आपको बहुत सारे नोटिस आए होंगे सेक्शन 17(5) को लेकर, तो ये जजमेंट आपके लिए भी बेनिफिट हो सकती है। क्योंकि यहां पर मैटर क्या था कि कंस्ट्रक्शन हुआ था शॉपिंग मॉल और इसका पर्पज क्या था, पहले पर्पज समझ लेना। उसने कहा कि भैया मैंने मॉल बनाया है रहने के लिए नहीं बनाया, मैं उसमें कोई बिजनेस नहीं करूंगा, मैं उस मॉल को किराए पर दे दूंगा, ठीक है ना, मैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों को किराए पर दे दूंगा, मॉल को बेचूंगा नहीं उस बिल्डिंग को, उस बिल्डिंग को बनाकर किराए पर दूंगा। तो उस बिल्डिंग को बनाने के लिए जो मैंने इतना सारा सामान लिया है मुझे इस पे आईटीसी दो। और ज्यादा अमाउंट का नहीं था, 34 करोड़ की बात थी, कितने की, क्रेडिट ऑफ जीएसटी अमाउंट ऑफ 34 करोड़, ठीक है ना। तो बंदा जाता ही सुप्रीम कोर्ट। तो यहां पर डिपार्टमेंट ने बोला हम तुम्हें इसका आईटीसी नहीं देंगे क्योंकि ये 17(5)(d) में ब्लॉक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या कहा, जरा इस बात को जरा ध्यान से समझना। पहले सेक्शन 17(5)(c) और (d) में ये ब्लॉक क्यों था, पहले इस चीज को समझ लेना। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ये भी मैं आपको बताऊंगा और ये आपके लिए बड़ा बेनिफिट प्रोविजन रहेगा। चलिए तो पहले मैं तुम्हें सेक्शन 17(5) की (c) और (d) क्लोज पढ़ा दूं। सर हमने तो वो क्लोज बहुत बार पढ़ रखी है, आप क्या नया पढ़ाओगे? भैया यहां पर एक वर्ड के अंदर इतनी कंफ्यूजन है, ठीक है ना, उसी पर आर्गुमेंट चला। क्या है सेक्शन 17(5)? एक क्लोज सी है और एक क्लोज डी है। क्लोज सी के अंदर वर्ड लिखा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी और क्लोज डी के अंदर वर्ड लिखा हुआ है प्लांट और मशीनरी। एक जगह लिखा हुआ है एंड, एक जगह लिखा हुआ है और। तो भैया यहां पर डिपार्टमेंट क्या कह रहा है, साहब ये तो ना गलती से लिखा गया, साहब ये तो ना गलती से लिखा गया, ये वाला जो और है, ठीक है ना, जरा समझना ध्यान को। सेक्शन 17(5)(c) में क्या लिखा हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी, और 17(5)(d) में क्या लिखा हुआ है, प्लांट और मशीनरी। यह इसी बात पर आर्गुमेंट हुई और डिपार्टमेंट ने क्या बोला, सर ये ना गलती से लिखा गया। लेकिन जो असेसी की तरफ से लॉयर्स थे उन्होंने कहा भाई ये गलती नहीं हुई, ये गलती नहीं हुई, जब मॉडल जीएसटी लॉ आया था, जब मॉडल जीएसटी लॉ आया था तो इसके अंदर पहले प्लांट एंड मशीनरी ही था, ठीक है ना, और बाद में, ठीक है ना, जो लॉ मेकर है उन्होंने इसे और कर दिया। सर क्या फर्क पड़ता है एंड और से? नहीं भाई बहुत फर्क पड़ता है।
मैं तुम्हें एक एक्सप्लेनेशन पढ़ाऊंगा। जहां पर एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है उन्होंने लिखा है फॉर द पर्पज ऑफ क्लोज सी एंड डी, फॉर द पर्पज ऑफ, ठीक है ना, चैप्टर एंड चैप्टर सिक्स द एक्सप्रेशन प्लांट एंड मशीनरी मींस, ठीक है ना, अपडेट्स इक्विपमेंट एंड मशीनरी। तो यहां पर जिसका आईटीसी ब्लॉक करा वो किसका आईटीसी ब्लॉक करा, प्लांट एंड मशीनरी का, ठीक है ना। किसका आईटीसी ब्लॉक नहीं करा, प्लांट और मशीनरी का। देखो इन्होंने क्या बोला कि हम 17.5 सी के अंदर जो वर्ड लिखा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी, एक्सप्लेनेशन जो दी गई वो उसके लिए दी गई। तो जो मेरा वर्ड लिखा हुआ है प्लांट और मशीनरी, इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई, तो ये इस एक्सप्लेनेशन से बाहर आता है, तो मुझे इसका आईटीसी मिलना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर वर्ड क्या है, प्लांट और मशीनरी, और यहां पर वर्ड क्या है, प्लांट एंड मशीनरी। और जो इस आईटीसी को ब्लॉक करता है, जो इस आईटीसी को ब्लॉक करती है, वो जो एक्सप्लेनेशन है, वहां पर एक्सप्लेनेशन में किसका मीनिंग दिया गया है, प्लांट एंड मशीनरी का। तो यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि भाई ये जो लैंड बिल्डिंग कोई भी पार्ट है वो प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन से बाहर होगा। तो यहां पर असेसी का कहना क्या था कि भैया मैंने जो बिल्डिंग बनाई है वो मेरी बिल्डिंग प्लांट है, और अगर वो मेरी बिल्डिंग प्लांट है तो मुझे उसका आईटीसी मिलना चाहिए। तो इस वाली बात को लेकर आर्ग्यूमेंट हुआ, और जब इस बात को लेकर आर्ग्यूमेंट हुआ, ठीक है ना, बहुत अच्छा डिस्कशन इसमें लंबा चला। देखो एक वर्ड था एंड और उसी पर सारा गेम पलट गया। तो जब इसकी जजमेंट आई, मैं तुम्हें फाइनल जजमेंट पहले आपको दिखाता हूं। फाइनल जजमेंट क्या आई, फाइनल जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, यहां से तुम्हारी फाइनल जजमेंट है, इसकी कॉपी आपको मिल जाएगी। जजमेंट में क्या बोला कि देखो भाई 17.5 सी और डी, ठीक है, या 16.4, ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, ये इनवैलिड सेक्शन नहीं है। असेसी ने चैलेंज करा था भाई ये 17.5 सी और डी ये वैलिड सेक्शन ही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई नहीं ऐसी बात नहीं है, ये दोनों वैलिड सेक्शन है। लेकिन यहां पर क्या लिखा जो असेसी के फेवर में करा, कह रहा द एक्सप्रेशन प्लांट और मशीनरी यूज इन 17.5 डी कैन नॉट बी गिवन द सेम मीनिंग प्लांट एंड मशीनरी। कह रहे आप जो प्लांट और मशीनरी लिखा हुआ है 17.5 डी में, आप उसे प्लांट, ठीक है ना, एंड मशीनरी नहीं कर सकते। और जब वो प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, ठीक है ना, जब वो प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, तो जो एक्सप्लेनेशन है जो सेक्शन 17.6 के नीचे लिखी हुई है वो उसके अंदर नहीं आएगा, तो ये प्लांट की डेफिनेशन में आएगा, ठीक है ना। आप इसे लैंड एंड बिल्डिंग करके इसे एक्सक्लूड नहीं कर सकते, तो आपको इसका आईटीसी नहीं। तो यहां पर इन्होंने इस चीज को जजमेंट के अंदर दिया, ठीक है ना। और साथ में यह चीज भी बोली कि भैया इस बात को जरा आप समझ लो कि क्या चीज प्लांट है क्या चीज प्लांट नहीं है, इसके लिए ना केस टू केस बेसिस पे फंक्शनैलिटी टेस्ट करवा कि उसका फंक्शन क्या है। यहां पर उन्होंने क्या बोला कि जो असेसी है वो मॉल बना रहा है, और मॉल बनाने के बाद उसे किराए पर दे रहा है, तो यहां पर उसे उसका प्लांट मान लेना चाहिए, या हाई कोर्ट आप बताओ ये प्लांट है या नहीं है। उन्होंने यहां पर सिंपल इस चीज को बोला कि यहां पर जो भी चीजें हैं, ठीक है ना, आप 17.5 डी को जब पढ़ रहे हो वो सेपरेट पढ़ो, जो 17.5 सी को पढ़ रहे हो वो सेपरेट पढ़ो। तो यहां पर अब होगा क्या, क्या सबको आईटीसी मिल जाएगा? आंसर इज नो, आंसर इज नो, सबको आईटीसी नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन फैक्ट टू फैक्ट बेसिस पे आपको आईटीसी मिल जाएगा। कब मिल जाएगा? जब आपने कोई गुड्स और सर्विस लिए हैं, अपने ऑफिस में यूज करे हैं, किस पर्पज के लिए, और अगर वो आपका ऑफिस या आपका जो फैक्ट्री है वो प्लांट की डेफिनेशन में आ जाए। सर अच्छा एक चीज और बता दो फिर, तो अब तो सर ऐसा भी होगा, मैं ऐसा करता हूं, मैं अपना ऑफिस बना लेता हूं, ऑफिस के अंदर गुड्स और सर्विस ले लेता हूं, मतलब मैं सीमेंट खरीद लेता हूं, सारी चीजें खरीद लेता हूं, तो मुझे भी उसका आईटीसी मिल जाएगा? नहीं भाई, इस चीज को जरा यहां पर समझ लेना। यहां पर इन्होंने बोला है कि भाई इट इज सबमिटेड दैट द फ्रेज ऑन हिज ओन अकाउंट, ठीक है ना। अब यहां पर डिपार्टमेंट का कहना क्या था कि भाई ये वाला जो मटेरियल है आपने अपने ओन यूज के लिए करा है। अब यहां पर असेसी कह रहा भाई सब मेरा ओन यूज नहीं है, ये कह रहा है द फेस शुड बी डीम्ड टू बी मीन व्हेन कंस्ट्रक्शन इज डन फॉर पर्सनल यूज एंड नॉट फॉर सर्विस, क्रेडिट शुड बी डिनाइड ओनली व्हेन गुड्स और सर्विस आर यूटिलाइज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी फॉर ओन पर।
यहाँ पर जो असैसी ने बिल्डिंग बनाई वो रेंटल पर्पज के लिए बनाई, उसने अपने पर्पज के लिए नहीं बनाई, लाइक एन ऑफिस बिल्डिंग और फैक्ट्री बिल्डिंग। तो यहाँ पर अब क्या समझ में आई आपको बात, कि अगर तुमने कोई बिल्डिंग बनाई और उसे खुद यूज कर रहे हो तो यहाँ पर ITC नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने वो बिल्डिंग बनाई और उस बिल्डिंग को बनाकर किराए पर दे दिया तब तुम्हें ITC मिल जाएगा। तो ये पेज नंबर 13 पे ये बड़ा इसका अच्छा एनालिसिस है। तो इस 90 पेज की जजमेंट को आपको आराम से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि 90 पेज की जजमेंट में तुम्हें यहां नहीं पढ़ा सकता। हालांकि मैंने क्या करा, इस सारे पार्ट को हाईलाइट कर लिया। तो अगर आपको कोई पार्ट समझ ना आए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, ठीक है ना, हम आपको उसका सॉल्यूशन देंगे। और हमारी जो मैगजीन आएगी उसमें हम इसका जो मेन पार्ट है, जो डिस्कशन का अच्छा पार्ट है, वो सारा का सारा मेन पार्ट अपनी मैगजीन में देंगे। ऐसे ही जो गुवाहाटी हाई कोर्ट की जजमेंट आई उसे भी हम एनालाइज करके, और जो IMS के ऊपर FAQs है उसे भी एनालाइज करके अपनी इस बार की मैगजीन में देंगे। तो अगर आपकी मैगजीन एक्सपायर हो रखी है, ठीक है ना, आपकी मैगजीन अभी तक नहीं आती है, तो आप हमारी मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो हमारी टीम से बात करके। और अगर आप चाहते हो इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो और बनाना, तो हम इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो और डिस्कस कर लेंगे। मेन इसमें जो मुद्दा था, प्लांट एंड मशीनरी वर्सेस प्लांट और मशीनरी, फिर इसके अलावा कि मॉल को प्लांट माना जाए या ना माना जाए, ठीक है, ये सारे मुद्दे थे जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजें SSC के फेवर में बोली है, कुछ चीजें डिपार्टमेंट के फेवर में बोली है। समझ आई मेरी बात? वीडियो अगर अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू।